पूरे देश में लॉकडाउन जारी है, लेकिन लॉकडाउन के बीच अपराधियों का मनोबल भी सातवें आसमान पर है। शायद यही वजह है कि अपराधी लॉकडाउन में भी जघन्य अपराधों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। ताज़ा मामला बक्सर जिले का है, जहां सिमरी थाना क्षेत्र के नागपुरा गांव में एक मासूम के कत्ल के बाद परिवार और गांव में पूरी तरह से कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक सिमरी थाना क्षेत्र के नागपुरा गाँव के रहने वाले लालू यादव का 2.5 वर्षीय पुत्र रियांशु अचानक अपने घर से लापता हो गया। परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। थक हार कर परिजनों ने स्थानीय सिमरी थाना में बच्चे के गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। लॉकडाउन में मासूम के गायब होने के बाद पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर बच्चे के बरामदगी के लिए छानबीन शुरू की। इस दौरान पुलिस ने पीड़ित परिवार के गांव में घंटों सर्च ऑपरेशन भी चलाया। पुलिस ने इस सर्च ऑपरेशन के लिए खोजी कुत्ते को भी लगाया, लेकिन न तो पुलिस बच्चे को सकुशल बरामद कर पाई और न ही अपराधियों को अब तक गिरफ्तार कर पाई। पुलिस अभी इस मामले को सुलझाने के लिए तमाम कोशिशें कर ही रही थी कि इसी बीच अगली सुबह उसी गाँव में बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। कल एक छोटे बच्चे का मिसिंग का रिपोर्ट कराया गया था, तो थाना प्रभारी के द्वारा और एसडीपीओ के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसकी खोजबीन भी की गई थी। सारे इलाके को का सर्च किया गया था। उसके बाद रात में भी पुलिस की गश्ती यहाँ मौजूद थी, लेकिन सुबह में ग्रामीणों के द्वारा सूचना दिया गया कि एक उसी बच्चे का डेड बॉडी किसी के घर के सामने पड़ा हुआ है। इसमें किसी की गिरफ्तारी सर हुई? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस हर पहलू पे जांच कर रही है, बहुत जल्दी इसमें गिरफ्तारी होगी। सवाल यह है कि बच्चे के गुमशुदगी का मामला दर्ज करने के बाद जब पुलिस मामले की छानबीन कर रही थी, तभी उसी गांव से अगली सुबह बच्चे का शव का बरामद होना कहीं न कहीं पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा करता है, क्योंकि परिजनों का कहना है कि बच्चे का शव उसी के गांव से बरामद किया गया है। परिजनों को आशंका है कि बच्चे को छुपाकर गाँव में ही रखा गया था और फिर अगली सुबह उसकी हत्या कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए शव को गाँव में ही फेंक दिया गया। इस घटना के बाद एक परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है, तो वहीं सवाल यह भी है कि घंटों सर्च ऑपरेशन के बाद भी आखिर पुलिस क्या कर रही थी। 5 मिनट के बाद माई अली तो खोज लगल तो लड़के 5 मिनट में कह देने क्या न पाता वो लौटे मोरा में 3 बजे लाइनिया कटल लौटे तले 5 मिनट में देखी गोला सर। पुलिस का दावा है कि शव को बरामद कर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी चल रही है। बहरहाल पुलिस कार्रवाई भी कर रही है और शायद अपराधियों को भी गिरफ्तार कर ले, लेकिन उस परिवार का क्या जिसके घर का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। सवाल यह भी है कि भला 2.5 साल के बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है और उस बच्चे की हत्या हुई ही क्यों? यह सस्पेंस फिलहाल लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज़।